आपका स्क्रीन टाइम कितना होगा बहुत ज़्यादा जब तक सोया हूँ तब तक नहीं रहता है। मैं सुबह उठते ही फोन से उठती हूँ लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। मैं स्मार्टफोन से एक सेकंड के लिए नहीं दूर होना चाहता मैं बिल्कुल दूर नहीं होता मुझे मुझे है। मैं उठ रही और सीधा फोन पे लग जाती हूँ गिल्ट होता है मतलब मुझे पता है कि मैं हूँ लेकिन मैं उस बात को ऐसे नहीं करूंगी कि मैं हूँ समय खराब करने की चीज ना बोली जा रही आदमी के हाथ में सब कुछ हाथ में फोन है लेकिन हाथ में बहुत सारे फैसले भी है आप बेहतर नशीब खुजिए फोन के हेलो मेरा नाम है अभिलाष और आप देख रहे हैं दलन टॉप आज हम आप लोगों के साथ इसलिए हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं फोन्स के बारे में फ़ोन के एडिक्शन के बारे में कैसे आप एडिक्ट हो जाते हैं आप एक फ़ोन उठाते हैं टाइम देखने के लिए फिर उसके बाद रीलें देखने लगते हैं और कब एक दो घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता इस समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है इसलिए कई देशों में ऐसे फोन्स आए हैं जिनको डम्ब फोन कहा जा रहा है इसमें क्या हो रहा है इस फोन्स में सिर्फ बेसिक फीचर हैं जिससे आप कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं अलार्म वगैरह लगा सकते हैं डायरेक्शन देख सकते हैं और इसके चलते लोगों लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनके स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा उनका एक जो एडिक्शन है वो ख़त्म होगा Uh, हमने भी सोचा अपने न्यूज़ रूम में पता करते हैं कि ऐसा अगर उनके पास ऐसा फोन आता है उनके पास ऐसे फ़ोन दिए जाते हैं जिससे उनका एडिक्शन थोड़ा कम हो सकता है स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो सकता है रीलें देखने की आदत फेसबुक में इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने की आदत अगर वो कितना परेशान है इस चीज़ से और छुटकारा कितना पाना चाहते हैं तो आइए पता करते हैं डू यू कंसिडर यूर सेल्फ एक स्मार्टफोन का एडिक्ट नहीं क्यों मतलब मुझे पता है कि मैं हूँ लेकिन मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मैं हूँ ये तो ये मुझे नहीं मानना है मैं जब भी फ़ोन चलाती हूँ मुझे पता है कि मैं फ़ोन चला रही हूँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन फिर भी मैं नहीं उठती हूँ बिस्तर से हाँ। और मेरे हाथ से फ़ोन नहीं जाता है इसका मतलब मेरी बॉडी या मेरा दिमाग उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मैं फ़ोन एडिक्टेड हूँ मैं नहीं मानूंगी उस चीज़ को <laughs> क्या लगता है आपका स्क्रीन टाइम कितना होगा यार दस घंटे तो मेरे ऑफ दस घंटे तो <laughs> मेरे फ़ोन में अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि स्क्रीन टाइम कितना है अगर वो पता चल गया तो मैं सही में बर्बाद हो जाऊंगी <laughs> और हम काम करने वाले बच्चे हैं तो हमारे दस ग्यारह घंटे तो ऑफिस में ही जाते हैं उस टाइम तो हम फोन यूज़ नहीं करते हैं और सात आठ घंटे सोने में चले जाते हैं तो बच्चे टाइम में ही फिर हम फ़ोन यूज़ करते हैं ऐसे तो नहीं करते <laughs> नहीं। <laughs> बहुत गलत है इसमें और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं तो नहीं चाहूंगी कि मुझे नोकिया का डब्बा फ़ोन दे दो मैं कभी नहीं चाहूंगी क्योंकि Uh, मतलब सारी सुविधाएं हैं इसमें आदत तो नहीं लगी है मुझे <laughs> लेकिन इसमें सुविधाजनक है सुविधा ना ये <laughs> तो इसलिए मैं एडिक्ट नहीं हुई हूँ फोन की <laughs> आप खुद को एडिक्ट मानते हैं फोन का फोन ओका है? है? <laughs> समय खराब करने की चीज ना बोली जाएगी <laughs> भाई आपको रियलाइज हो गया टाइम कितना खोटी का मतलब, ये गिल्ट डेली चलता है डेली गिल्टी फील होता है सुबह उठते ही गायब हो जाता है हाँ क्या होगा स्क्रीन टाइम आपका बहुत कितना बहुत? तो तो जितना सो रहा हूँ उससे तो ज्यादा ही है एक चेक ना। <laughs> <नहीं>। <laughs> नहीं यार, तुम क्या चाहते हो वीकेंड पे, वीकेंड से पहले करवा रहे हो मुझसे नहीं सॉरी इतना में अपना अपने गलत नहीं कर सकता मैं अपनी अपना इंस्टाग्राम खोलूंगा उस पर एक दो घंटे दिख जाएंगे यार बाकी यूट्यूब ये ट्विटर ये व्हाट्सएप तो अलग है वो है लेकिन हाँ दुख है जीवन में तो छोड़ना है छोड़ने का मन है ये प्लान किया है कोशिश की है कभी हर हफ्ते हर दिन हर न्यू रेजोल्यूशन पे जब से फोन है लेकिन नहीं हो पा रहा है हो कैसे? होगा, मतलब, मतलब क्या, क्या होता है क्या प्रोसेस रहता है यार मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ाई क्यों पड़ा? नहीं होगी <laughs> क्यों नहीं होगी स्मार्टफोन से छुटकारा मिले तो आप प्रेफर करेंगे क्या ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे यार मतलब लैटरिंग करते करते आ, 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 पांच दर्जन रील देखने की आदत तो छूटेगी कम से कम और मतलब वो रील वील तो ऐसा है ना कि आप एक बार इंस्टाग्राम से हटा दो फिर ट्विटर पे भी रील मिलती है ट्विटर हटा दो तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स मिलता है आ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ना कहीं मिलता ही रहेगा तो आपको कंटेंट का तो आप दास बन के रह ही जाते हैं हाँ मतलब सूचना का फ्लो भी है ये भी लगता है कि यार एडिक्टिव है लेकिन यार बहुत ज़्यादा समय जाता है तो अच्छा है इस तरह फोन आएगा मज़ा आएगा बात करेंगे ऐसे कुछ फ़ोन ऑन कर लेंगे फ़ोन काट देंगे ऐसे ही कुछ करेंगे और क्या लिव इन द मोमेंट वाला भी हो जाएगा क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ फ़ोन पे ही लगे रहते हैं हाँ मतलब वही होगा और थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो फ़ोन ज़्यादा सिक्योर होते हैं आपने अगर जिन फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन सीधे जीपीएस पी कनेक्शन नहीं होता है वो मलवेर उसमें डाले नहीं जा सकते हैं वो थोड़े से सेफ होते हैं तो पेगासस जब डाल के उसमें कोई फायदा है नहीं हाँ पेगासस पेगासस लौट के मारेगा मुंह पे सौ रुपया देगा ले नहीं जाना तेरे फोन में इस तरह का वो फोन इस तरह का फोन होगा वो तो उसमें पेगासस काम करेगा नहीं मज़ा ही आएगा आपका स्क्रीन टाइम कितना होगा बहुत ज्यादा जब तक सोया हूँ तब तक नहीं रहता सो so, सोते समय अगर इफ आई गॉड अ कॉल फॉर फॉर आई 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 देन एम गोइंग टू स्लीप उसके बाद मैंने फोन उठा लिया तो गया <laughs> अब अगली रात को ही नींद मिलेगी मुझे <laughs> हाँ। उसके बाद गया आधे घंटे आपको काम नहीं होता है रात को तीन बजे तो काम का मैसेज है तो मैं उसको नियमता सुबह ही पढ़ता जो लोग रील भेजते है ना वो भी एक काम ही है सबकी रील से देखने हाँ वो है तुम भी भेजते ही हो आज भी भेजे ही थे हम भी भेजते तुमको आज तो वो तो है यार वो तो है मतलब रील आप देखते हैं आपको लगता है इस व्यक्ति का कोई व्यक्ति भेजे तो को पता है कि ये व्यक्ति कैसा रील भेजेगा <laughs> आप उसका रील ज़रूर खोलते हैं और जो व्यक्ति आपको लगता है कि बहुत सीधा साधा में क्या ही भेज देगा हमको रील कितना ही डार्क भेज लेगा या कितना ही भेज लेगा कुछ भी है ना तो अब उनकी क्या खोलते हैं आप नहीं खोलते पड़ी रहती है बहुत दिन दिन आप किसी खोलते हैं देखिए स्माइली के ओके okay. कूल आ, कूल करके भेज देते मैं अपनी राय में बताऊँ तो मैं स्मार्टफोन से एक सेकंड के लिए नहीं दूर होना चाहता मैं बिल्कुल दूर नहीं होता आप मेरे स्क्रीन टाइम देखेंगे तो ऐसा है कि स्क्रीन टाइम के अंदर मैंने अपने कहीं फ्री टाइम निकाला होगा और मैं उससे टोटली खुश हूँ हाँ भाई मैं भी सोच रहा था कि आपसे स्क्रीन टाइम तो नहीं पूछूंगा हाँ मतलब नहीं पूछूंगा हाँ तो और मेरे लिए तो वो जुनून वाली बात हो जाती है ना तो वही बोलो जैसे कि अभी देखिए एक एंड्रॉयड 15 का वर्जन आने वाला है आईओएस 18 का वर्जन ऑलरेडी डेवलपर वर्जन आ चुका है तो वो जो खुशी है वो जब मैं रात में उसको आधी रात को इंडियन टाइम के हिसाब से डाउनलोड करता हूँ तो मैं आपको बता ही नहीं सकता नहीं। है ना तो मुझे नहीं लगता ठीक है सुनने में अच्छा है हाँ। नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से नहीं है लोगों की अलग अलग, अलग राय हो सकती है लेकिन मुझे वही लगता है क्योंकि हमको स्मार्टफोन की जो स्मार्टनेस है ना उसको बहुत एक्सप्लोर करना है ठीक है भरे हुए हैं फीचर्स हाँ। और हम आप गिनती के ही जानते हैं ठीक है तो वो जब हो जाएंगे तो अब तक फिर न्यूरा लिंक आ जाएगा हाँ। तो वैसा है मेरी राय ही है इसमें है ना हम लोग बात कर रहे हैं डम फोन्स की और एक हमारे पास न्यूज़ रूम में ऐसे शख्स हैं जो अभी भी लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते हैं जिनका स्क्रीन टाइम बारह तेरह पंद्रह मिनट ही होता है आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस फ़ोन के बारे में क्या कहना है हेलो हेलो आपका नाम क्या है मेरा नाम अभिषेक है अभिषेक यादव हाँ अभिषेक तो आ, मुझे बताया गया कि आपका स्क्रीन टाइम एकदम बारह तेरह मिनट है आप अभी भी, तो, भी। आप देख लीजिए खुद ही ये जैसे आज मैंने बारह मिनट यूट्यूब का इस्तेमाल किया वो भी काम के लिए एंड सैमसंग नोट्स जो कि मेरा फेवरेट है मैं नोट्स का ऐड नहीं कर रहा बट इससे ये भी काम ही का चीज़ है तो इसलिए ग्यारह मिनट इसको यूज़ करना पड़ा है मेरे को एंड व्हाट्सएप सारा कम्युनिकेशन इस पर है तो ये यूज़ करना पड़ता है व्हाट्सएप एंड ऐसे मेरे पास आपने सही बोला घर पे मेरे पास एक डमी फ़ोन है ब्लैक वाला एंटीक है वो तो उसको मैं जहाँ आठ दस जगह शिफ्ट कर चुका हूँ लेकिन उसको हर जगह मैं लेके जाता हूँ क्योंकि उसके साथ एक मेमोरी जुड़ी हुई है और एक नॉस्टेल है तो बोर होते रहते हैं हम लोग तो उस पर ऐसे भगवान को कॉल लगा लिया <laughs> किसी को भी कॉल लगा लिया उस पर सो अच्छा लगता है उस पर तो कैसे मैनेज करते हैं कैसे अभी जो आ, क्योंकि जब जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ सबको यही है कि फ़ोन तो ज़रूरी है फ़ोन काम के वजह से या कि अन्य वजहों से देखना पड़ता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को सो so, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ रियल लोगों से मिलता हूँ सामने मैं uh -huh. फ़ोन पे फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेशन करना मेरे को पसंद ही नहीं है आई डोंट नो वाई बट जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है मेरे को उधर फ़ोन के उस साइड आदमी का रिएक्शन नहीं दिखता मेरे को hmm. तो इसीलिए आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ये बात भी सही है कि आ, हम बार बार चेक करते हैं फ़ोन की व्यूज़ कितने आए लाइक्स कितने आए कमेंट्स क्या है तो मे मैं भी ऐसा करता था लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको एक बार आपने डाल दिया कुछ तो फीडबैक के लिए देख लीजिए बट ये एक ट्रैप है सोशल मीडिया जो भी कंपनीज़ हैं उनका बनाया हुआ ट्रैप है जिसमें हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं हेलो दर्पण जी हेलो तो कैसे मैं अच्छा हूँ मैं आपके पास आया हूँ कि एक नया फ़ोन आया है नोकिया का जिसपे जो जिसपे पुराना स्नैक गेम्स हैं बटन्स हैं सारे अच्छा। इसके इसके अलावा भी आ, वेस्ट में ऐसे फोन्स चलने लगे हैं जिनको डम फ़ोन कहते हैं डम फ़ोन ये होते हैं जिसमें कोई भी आ, ये स्मार्ट फीचर नहीं होते हैं व्हाट्सएप नहीं होता है आ, मैप और नेविगेशन वगैरह होते हैं तो वो एकदम मिनिमल होता है सारा कुछ तो मैं आपके पास आया हूँ कि आपका स्क्रीन टाइम कैसा है आप का फ़ोन का आप मानते हैं कि आप एडिक्ट हैं कि नहीं हैं स्क्रीन टाइम में क्या कम करने के लिए आप क्या क्या करते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो भी ये डम जिसको डम फोन कहा दुण जा रहा है या जैसे नोकिया का फ़ोन आ रहा है अगर वो नोकिया का फ़ोन लॉन्च होता है और वो मेरे पास आता है और तो मैं स्नैक वाला गेम है तो मैं इस बात को लेके तो निश्चित हूँ कि मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ेगा घटेगा नहीं उसका रीज़न होगा नॉस्ट्रेलिया और बारवा राउंड या तेरहवा राउंड में क्रॉस नहीं कर पाया था तो वो क्रॉस करने की हमेशा हमेशा जिजी विशा रहेगी नोकिया नोकिया ग्यारह सौ था मेरे पास मेरा स्क्रीन हाँ बिल्कुल मेरा स्क्रीन टाइम मेरे को आ, ये बताते रहता है चूंकि दोनों ही एप्पल के हैं तो ये आपस में एसोसिएट होके बताते रहता है बारह से तेरह घंटे हो जाता है कभी कभी आठ घंटे नौ घंटे एवरेज स्क्रीन टाइम जो निकलता है क्योंकि उस पर सैटर्डे संडे भी काउंट करता है जिस दिन मेरा स्क्रीन टाइम कम होता है बच्चों को बच्चे के चलते एवरेज स्क्रीन टाइम भी मेरा आठ से नौ घंटे होता है आठ से नौ घंटे में क्योंकि ये भी ये भी शामिल हो जाता है मेरा ऑफिस का टाइम भी शामिल हो जाता है लेकिन स्मार्टफोन से छुटकारा लूंगा तो नौकरी से छुटकारा हो जाएगा क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम हैं वहाँ पर मोबाइल मतलब स्क्रीन टाइम चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो चाहे वो लैपटॉप पे हो मोबाइल पे हो वो बहुत ज़रूरी है और उस लिहाज से हम लोग करते भी हैं हाँ जो, जो अगर हम नौकरी के जो 10-11 घंटे हटा दें उसके अलावा जो स्क्रीन टाइम है वो करीब मुझे लगता है डेढ़ से दो घंटे का होगा हाँ। तो उसमें सभी आम प्राणियों की तरह मैं भी रीले देखता हूँ और भेजता हूँ और जो रिसीव कर लेता हूँ उसको भी किश्तों में देखता हूँ जैसे मेरे पास इकट्ठा बनच आ जा जाता है कई लोग खलियर बैठे हैं एकदम हाँ। उन्होंने धड़ 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 आठ दस भेज दी तो आठ दस उस दिन तो नहीं देख पाता फिर अगली। याद कर करके या उस पर उसने क्या ये देखा फिर हाँ। मैं उसको देखता हूँ हाँ वो फोन पास में रहना बहुत जरूरी है कई बार क्या होता है ना कि कॉल लगाने भी गए या बार बार फोन ऐसे गया एक राउंड रील देख ली जाए ऐसा हो जाता है कई बार लेकिन वो फोन रहेगा ना तो ये किनारे रहेगा आशीष जी सुने आप फोन लाए एक आराइज, हाँ। आराइज हाँ। है कुछ लोग तो गलत ना पड़े ए <laughs> एक्स वन वन एट है ये हाँ और उसके अलावा मैं देख रहा था अपनी एक मेरे पास घर पे ये बहुत दिन से चार्ज नहीं है मेरी सास का फ़ोन है ये लेकिन घर पे रखा है ये चलता है उसका चार्जर भी है बहुत दिन से चार्ज नहीं है इसलिए चल नहीं रहा है इसके अलावा मेरे पास एक नोकिया का छोटा वाला फ़ोन है मैं उसको रखा है मैंने कि कभी मैं कोई ट्वीट करूँ और किसी नेता को पसंद ना आए और मुझे भागना पड़ जाए तो वो वाला फ़ोन लेके भागना है तो वो मेरा फरारी वाला फ़ोन कहलाता है तो इसका हम लोग घर पे पूछते भी रहते हैं मेरा फरारी वाला फ़ोन कहाँ गया तो एक वो फोन है वो भी बढ़िया है ये भी बढ़िया है इस पर टी एफ टी स्क्रीन है वन पॉइंट एट इंच होता है ना वन पॉइंट एट इंच की इस पर यह लग जाता है ब्लूटूथ लग जाता है बैटरी वैटरी भी इसकी बढ़िया है तीन चार दिन चल जाती है सबसे अच्छा पर... मुझे इन फ़ोनों में लगता था कि आप बैटरी निकाल के अलग से चार्ज कर सकते हो हाँ, जो हाँ, अभी अभी के फीचर फोन के फोन में चला जादू गया जादू दिखा रहा हूँ आज के किसी फोन में ये फीचर नहीं होगा कई लोग हो है पहली बार देख रहे कई लोग पहली बार देख रहे होंगे <laughs> ये देखो इसको कहते हैं फोन की बैटरी और ये बैटरी भी ऐसे निकल आती है और भाई साहब देखिए इसमें बहन जी भी देखिए इसमें दो सिम लगती है एक सिम दो सिम ठीक है और यहाँ पे इसमें लगता है एस कार्ड और एस कार्ड कितना लगता है इसमें लगता है आठ जी का एस कार्ड लग सकता है इसमें और बढ़िया स्क्रीन है जीरो पॉइंट थ्री पिक्सल का इसमें कैमरा है ठीक है कलर फोटो खींचता एक है एकदम टॉर्च भी वॉर्च सब है, है उसमें पूरा <laughs> कैलकुलेटर वेलकुलेटर मार एस एम एस एम सब कर सकते हैं बैटरी है बैटरी फूल गई है फुली बैटरी की ऐसी पहचान बताते थे ऐसे घूम जाती है चार्ज करने में खतरा है एक वो भी चलता था पीपल के पत्ते से चार्ज हो जाती आ, है पीपल के पत्ते से चार्ज कुछ लोग आलू से बाद में चार्ज करने लगे ये सब है तो बस यही है लेकिन ये यूज नहीं हो रहा जो दूसरा फरारी वाला है कभी किसी दिन कोई ट्वीट करूं। अब तो ट्वीट करना मैंने छोड़ दिया है कोई नेता बुरा मान जाए तो फिर फरार हूँ तो वो वाला फ़ोन यूज करूँगा उसके अलावा मेरे पास फिलहाल तो ऐसे ही ये स्मार्ट फोन के चक्कर में फंस गया हूँ ठीक है कोई फ़ोन यूज कर रहा हूँ इसके अलावा एक फ़ोन ये है जो दफ्तर का है ये दफ्तर वाला फ़ोन है मेरे पास एक इसके पहले जो फ़ोन यूज किया करता था मैं खुद का वो है तो वो है जिस पर मैं वीडियोस देखता हूँ रील्स देखता हूँ या स्पीकर से भी जाकर उसको गाने वो मेरा डीजे वाला काम चलता है घर पे उस वाले फ़ोन से या फिर वॉशरूम में जाके कभी रील नहीं देख रहे हैं पानी वानी में ना गिर जाए या फिर इधर साइड में रख के शॉवर ले रहे हैं उसके लिए एक फ़ोन है एक और फ़ोन है उसका थोड़ा पुराना है वो उसकी बैटरी उसमें स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत है तो वो भी है कभी कभी चल जाता है उसको भी चार्ज कर लेते हैं कि वो मरे ना लेकिन सबसे बेहतर यही वाले फ़ोन है इतना ज़्यादा हो गया ना फेसबुक व्हाट्सएप ये सब यही वाले फ़ोन बेस्ट है और क्या पूछ बाकी था? स्क्रीन टाइम कितना है आपका उसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं मैं ना मेरा हो गया है शंकर जी जैसे मुझको जहर पीना पसंद नहीं है लेकिन मैं जहर पीता हूँ आप लोगों के लिए <laughs> ये जो दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे दिन भर इधर उधर का है ना उस चक्कर में मेरे को देखना पड़ता है मेरा स्क्रीन अब... लेकिन मेरा स्क्रीन टाइम घटा है बहुत कम हो गया है मतलब पाँच पाँच घंटे से घट के अभी दो ढाई घंटे पे आ गया है बहुत कम कर दिया है मैंने कैसे कोई ट्रिक है क्या नहीं खुद खुद को ही रोको आदमी के हाथ में है सब कुछ हाथ में फोन है लेकिन हाथ में ही बहुत सारे फैसले भी हैं आप बेहतर नशे खोजिए फोन के अलावा रील के अलावा दूसरे नशे तो मैंने ये तय किया कि मैं अगर अपने लिए देख रहा हूँ कंटेंट सर्च नहीं कर रहा हूँ तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं देखता कि जिसको मैं तीन मिनट से पहले पढ़ के या देख के खत्म कर दूँ तीन मिनट से ज्यादा का ही वीडियो देखना है कोई आर्टिकल पढ़ना है तो तीन मिनट से बड़ा ही पढ़ना है ट्वीट नहीं पढ़ने हैं ट्वीट वाहियात चीज होती है इंस्टाग्राम पे नहीं जाना है बस ऐसे ही कुछ भी स्मार्ट नहीं है व्हाट्सएप नहीं है फेसबुक ऐसे तमाम ऐप नहीं है सिर्फ उसमें आप कॉल कर सकते हो मैसेज कर सकते हो डायरेक्शन वगैरह देख सकते हो बेसिक चीज़ें ही हैं एफ वगैरह होगा आई डोंट नो तो अगर आपको फ़ोन दिया जाता है वो विल यूज यूज़ इट हाँ बहुत बहुत खुशी खुशी मतलब मेरे आसपास वाले इस बात पर मुझसे ज़्यादा खुश होंगे मेरे इस फ़ोन की बैटरी जिसको स्मार्टफोन कहा जाता है कभी पाँच परसेंट से ज़्यादा नहीं रहती है मतलब मेरे आसपास वाले इस बात से परिचित होंगे कि जब एक परसेंट बैटरी होती है तब मैं फ़ोन चार्ज करने जाती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ़ोन में ही लगी रहती हूँ मतलब या तो मैं अभी अगर मुझे यहाँ से चलकर वॉशरूम तक जाना है तब भी मैं चार रील्स स्क्रॉल करते हुए जाऊँगी इतने देर में तुमने अब बिठा रखा था कि आशीष जी से बाइट ले रहे उतने देर में मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रोल करके देख लिया कि तुमने डि करके कोई फोटो पोस्ट किया तो हाँ मैं थोड़ी सी हूँ ज़्यादा ही एडिक्ट सोशल मीडिया की तो मैं चाहूँगी कि मुझे ऐसा कोई डम फोन मिले ताकि मेरे अंदर की डमनेस कम हो और हुँ। मैं थोड़ा स्मार्ट कंज्यूमर बनूँ अभी स्क्रीन टाइम क्या है फ़ोन का मुझे चेक करना पड़ेगा पर कम से कम छः सात घंटा होगा एक डम फोन आ रहा है जिसपे ऐसा कुछ मतलब Uh, कोई स्मार्ट एप्स नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ स्मार्ट नहीं है हाँ। उस पर आप सिर्फ कॉल कर सकते हो टेक्स्ट कर सकते हो सिर्फ डायरेक्शन uh, वगैरह देख सकते हो अलार्म जैसे पहले पहले जैसा फोन था, हाँ, पहले जैसा फ़ोन था अड हाँ। वाला तो अगर आपको uh, मतलब यू you नो know, आप यूज करोगे क्या अगर वो इंडिया में आता है आप प्रेफर करोगे क्या इस्तेमाल करना हम हाँ, प्रेफर करेंगे लेकिन बस हमारा कंसर्न ये है कि उसके आने के बाद हमारी नौकरी कैसे चलेगी मतलब बगैर उसके तो कुछ कुछ हो नहीं सकता या ऐसा हो कि या ऐसा हो कि मतलब कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे दिन भर आपने ऑफिस किया उसके बाद आप अपना स्मार्टफोन स्विच ऑफ करके रख दें और, और वो इस, इस्तेमाल करें तो ऐसे ही कर सकते हैं लेकिन वो हो नहीं पाएगा और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह कितनी आदत पड़ गई है कि आप उस पर भी हम ऐसे ऐसे हाँ <laughs> आर तो खैर तो वो किसी दूसरे चीज़ की बात हो गई लेकिन हाँ वो है कि इतनी गंदी आदत पड़ गई है फ़ोन चलाने की वीडियोस देखने की अब हम वो कीपैड वाले जैसे या उस जैसे फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ बात करें और उसके लिए लैंडलाइन है आप लैंडलाइन लगवा लीजिए क्या हाँ, मतलब है हाँ। वो डम फोन लाने का क्यों ला रहे हैं लेकिन ये मुझे जानना था लाइस्ली रहे हैं क्योंकि कई लोग परेशान हो चुके हैं अपने स्क्रीन टाइम से जितना टाइम वो बर्बाद कर रहे हैं ऑनलाइन रील्स देख के या जितना भी जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं इससे लोग परेशान हो रहे हैं लोग ऊब रहे हैं कि यार ज्यादा हो रहा है अब तो खुद को से लेवल पे लाने तो के लिए खुद को लेवल पे लाने के लिए आप फोन छोड़ दो ना यार इसके लिए एक नया फोन बनाने की क्या जरूरत है यार

मैं उठ रही हूँ और सीधा फोन पे लग जाती हूँ और हर पंद्रह मिनट में मुझे गिल्ट होता है हाँ। कि यार इसको साइड रख गरिमा माँ उठ योग कर बाहर बैठ फूलों मतलब पेड़ पौधों के पास जाके बैठ जा, के जा। फिर फिर मैं सोचती हूँ कि आ, हाँ चलो उठ के बाहर जाएंगे एक राउंड मारा घर का और फिर वापस आके बिस्तर बैठ गया और फ़ोन उठा लिया ये बहुत गंदा एडिक्शन है और मैं हर रोज हर रोज इसे छोड़ने की कोशिश करती हूँ पर मैं नहीं छोड़ पाती पता नहीं क्या है यार मतलब हम जान रहे हैं इस चीज़ को कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं और वो जानते हुए भी हम उस समय को बर्बाद किए जा रहे हैं ग्रोसरी मंगानी है कहीं जाना है किसी से बात करनी है किसी को अवॉइड करना है हर चीज़ के लिए तो हम फोन ही करते हैं मतलब मेरा मान लो किसी से बात करने का है तो मैं सामने से वो जा रहे है मैं अपने फोन में देखने लग जाऊंगी <laughs> किसी जगह पे मुझे अकेला फील हो रहा है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ मैं मेरे को दिख मतलब मैं मेरे वो दिमाग में रजिस्टर This भी नहीं हो रहा है मैं किस रील को देख रही हूँ क्या कर रही हूँ पर जस्ट टू तो अवॉइड अ सिचुएशन और जस्ट टू अवॉइड समन मैं फ़ोन में लग जाऊंगी yeah. तो ये बहुत ख़राब आदत हो गई और जिस डम फोन की आप बात करें मतलब मुझे लगता है कि अब हम वापस जाने लगे हैं बैक इन द डेज जब वो छोटे से फ़ोन हुआ करते थे जिसपे आपके पास सिर्फ वो स्नेक वाला गेम खेलने के लिए होता था तो मेरे प्राइमरी फोन तो वो नहीं बन सकता जितना हम उसके आदी हो गए प्राइमरी फोन तो आप उसको नहीं बना सकते नहीं। या फिर उस आदत में ढलने में आपको थोड़ा वक्त लग जाएगा जैसे तब भी जी रहे थे ना हम सरवाइव कर रहे थे हम सब नहीं। जब नहीं था स्मार्टफोन तो उस फोन को अगर हम वापस उस पर स्विच करेंगे तो उसमें ढलने में हमें वापस उतना टाइम लग जाएगा कि ओ अब हमें लोगों से पूछ पूछ के रास्ता खोजना है या हमें डायरेक्शंस याद रखनी है और आदत भी तो पड़ गई ना याद ही नहीं रखती डायरेक्शन क्यों क्योंकि पता है दोबारा जाना होगा तो मैं आप खुल लेंगे पहुंच जाएंगे तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल नंबर्स याद नहीं है मुझे मेरे को मेरे पापा मम्मी मेरी बहन और मेरे हस्बैंड बस चार लोगों का नंबर याद होगा नहीं याद है क्यों क्योंकि पता है कि फ़ोन में अवेलेबल है हाँ। तो वो हम हम, हम हमारी मेमोरी पे भी उस तरह का असर डाल रहा है।, है तो प्राइमरी फ़ोन थोड़ा मुश्किल थोड़ा समय लगेगा ऐसे बाकी आदत ख़राब है मुझे पता है स्क्रीन टाइम वाली। <laughs> I will try to work on it. <laughs> तो ये थे हमारे न्यूज़ रूम के साथ ही जो बता रहे थे कि उनका स्क्रीन टाइम कितना है कितना वो वक्त बर्बाद करते हैं कैसे करते हैं उनका इस फ़ोन के बारे में क्या सोचना है अगर उनको ये मौका दिया जाएगा तो ये फ़ोन इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे सारी बातें आपने देखी होंगी आप बताइए कि अगर आपको आप के एक तो पहले स्क्रीन टाइम कितना है उसको कम करने के लिए आपने कभी कुछ किया इंस्टाग्राम हटा दिया फेसबुक हटा दिया परेशान होके तंग होके ये सारी चीज़ें की आपने कैसे की उसके पीछे की कहानी क्या रही कितना सफल हुए कितना असफल हुए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए धन्यवाद